दोबारा लगाओ भाई क्लास। अरे नेट ही उड़ गया, दोबारा ज्वाइन करी है मैंने, परेशान ही हो गया हूँ आज तो। उड़ गया, नेट ही उड़ गया। ठीक है बेटे, जयदीप एक बार दोबारा लगा देना इसको, क्लास में शिफ्ट लगा देना एक बार इसको। चलो करें स्टार्ट भाई। अरे नेट ही उड़ गया था। चलो बड़ी दिक्कत कर रहा, दिन ही अच्छा नहीं है, सैटरडे या दिन ही अच्छा नहीं है। हेलो बेटा, हेलो, नेट का ही पता नहीं क्या इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। करें स्टार्ट भाई। करें भाई स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करें। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट आगे। आज शनि भारी है, सही बात है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 को नोट कर लेना, लिख लो पहले क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू द जॉब इन 6 डे, बट 18 मैन ड्रॉप आउट ऑफ एवरी डे। इफ द जॉब वॉज कंप्लीट इन 8 डे, देन हाउ मैनी मैन इनिशियली डिसाइड टू द जॉब। तो कितने मैन को इनिशियली डिसाइड टू द जॉब है, फटाफट करके बताओ। अमन, डी बेटा गलत आंसर है, डी गलत है इसका आंसर। और करके बताओ फटाफट, और करके लगाओ, लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ, क्योंकि अब क्वेश्चन सारे मुश्किल आएंगे। अब फटाफट करो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन के ऊपर। अभी लगेगा, 1 घंटा लगेगा, जब तक 47 क्वेश्चन नहीं होते तब तक बेटा क्लास चलेगी सत्यम। करके बताओ, चारू गलत है, 188 भी गलत है। पहले ना मेरी बात सुनो, पहले ना इसका शॉर्टकट समझो। वैसे तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स मान के लॉन्ग पड़ जाएगा, इसके शॉर्टकट के ऊपर ध्यान दो। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बट 8 मैन ड्रॉप एवरी डे, हमें काम नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया, पहले एक्स करा, फिर एक्स माइनस 18 हो गया, फिर एक्स माइनस इस प्रकार से ना, एक्स माइनस 18 इज टू 2 है। पहले 18 आदमियों ने काम करा, फिर इस प्रकार से करा ना,
पहले तो दो चीजों के ऊपर कंसीडर करना है, छह ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू द जॉब इन सिक्स डेज में होना चाहिए था, पर ये काम कितने दिन में हुआ, आठ दिन में हुआ। क्या हुआ, आठ दिन में हुआ, होना छह दिन में होना चाहिए था, लगे कितने, आठ दिन। तो बताओ कितने दिन का अंतर आ गया, कार्य छह दिन में होना था, पहले मुझे बताओ कार्य छह दिन में होना था, कितने दिन में हुआ, आठ दिन में। तो कितने दिन का अंतर आ गया, टू डेज का आ गया, क्या आ गया, टू डेज का आ गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, ये बात तो क्लियर है सबको। अब क्या हुआ, पहले मेरी बात सुनो, पहले 18 आदमियों ने काम करा था, फिर 18 और छोड़ के चले गए, फिर 18 छोड़ के चले गए, 18 छोड़ के चले गए ना, पहले तो दिन 18 आदमियों ने काम करा, फिर 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तक लिख लेंगे। 7 दिन क्यों करा, क्योंकि 18 कॉमन ले लेंगे ना, अंदर 36 प्रकार से मुश्किल लगेगा, तो मैंने 18 दिन, पहले दिन 18 दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, इस प्रकार से काम चलेगा, ठीक है। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, काउंट करो इसको, कुल कितने दिन हो गए, 7 और 6 13 और 5 18, 4 कितना हो गया 28, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो टोटल काउंट करेंगे ना, 18 गुना में 22, और जितने दिन करेंगे तो इसको 2 से क्या करेंगे, डे कम लगे से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 9 दुनी 8, ये कितने दिन होगा मेरे ख्याल से, ये काउंट करना, 7 और 6 13 और 5 कितना हो गया 18 और 4 22, 22 और 6 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 18 बटा में 28 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, 9 करेंगे, तो 252 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, बी हमारा आंसर आएगा। पहले दोबारा समझो, ये 6 दिन में काम समाप्त होना चाहिए था, 8 दिन लगे, कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, क्या लगे, 2 दिन ज्यादा लगे। इस कार्य में क्या था, पहले एक्स पर्सन ने करा, फिर एक्स माइनस 18 हो गया, फिर एक्स माइनस 2 हो गया, फिर एक्स माइनस, एक्स माइनस क्या करेंगे 18 गुना 3, ऐसे 18 गुना 4, तो टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, 18 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस, ये डेज है, क्योंकि क्या कह रहा है 18 मैन एवरी डे पे ड्रॉप करे हैं, और 8 दिन तक काम चलाना है हमें, क्या चलाना है, 8 दिन तक काम चलाना है। तो पहले 18 हमने कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पहले शुरुआत में 18 आदमियों ने करे, तो यहाँ पे हमारा सेकंड डेज थर्ड डेज इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। मतलब कि 7 लेके जाना, एक तो हमारा ये 18 दिन आदमियों ने काम करा, ठीक है। तो कुल 18 गुना में 28 और जितने दिन कम लगेंगे उसे डिवाइड करेंगे, तो 252 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो हमारा आंसर जो आएगा ना 252 आएगा। 18 दिन, 18 मैन ड्रॉप एवरी डे है ना, इसको समझो, मतलब कि पहले दिन 18 आदमियों ने करा, फिर 18 और छोड़ के चले गए, कितने हो गए 36, फिर और छोड़िए 18 की टेबल लेंगे, इसलिए मैंने 18 कॉमन ले लिया। समझ आ गया बेटा क्या कह रहा हूं मैं, अमन समझ आ गया, स्वीटी समझ आ गया, स्नेहा चारू समझ आ गया क्या कह रहे हैं, खुशी समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैंने 18 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया 18, उसी से डे बचे हैं, 1 2 3 4 5 7, पहले 18 दिन तक काम करा, फिर 36 हो गया, फिर 54 हो गया, ऐसे करके जा रहा है काम, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है, अल्टरनेटिव डे पे करते हैं, फटाफट अब स्पीड बढ़ाते हैं, अब आपको समझ आने लग गए होंगे। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ फट से बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ट्वेल्व वन बाय फोर आएगा, ये तो सारों ने बना लिया होगा, क्या होगा, सारों ने बना लिया होगा।
जो 19 का आंसर आएगा 12 1 बाय 4 आएगा। शाबाश, ये तो सबने लिख लिया ना, इसको लिख लेना 12 1 बाय 4 आएगा। क्या आएगा? 12 1 बाय 4 आएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ। देखो, वन मैन और फोर वीमेन कैन कंप्लीट द जॉब इन 65 बाय 4 डेज, व्हाइल थ्री मैन और फोर वीमेन कैन कंप्लीट द जॉब 13 बाय 2 डेज, इन हाउ मैनी विल 13 वीमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 13 वीमेन कितने समय में करेंगे, फटाफट करके बताओ। जो 13 वीमेन है कितने समय में करेंगे, करके बताओ फटाफट क्वेश्चन। ये ट्वेंटीएथ क्वेश्चन बेटा फटाफट करके बताओ। नहीं बेटा, अब तो सही है बेटा, अब तो नेट सही काम कर रहा है। दीपांश गर्ग सी आंसर बता रहे हो, शाबाश। और कोई करके बताओ अपने आप से कैसे करेंगे, फटाफट करके बताओ बेटा। अरे एक बार दोबारा से लाइक कर देना, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना बेटा, एक बार दोबारा से लाइक कर देना। सत्यम भी सी बोल रहा है, शाबाश। अगर अच्छी लगे तो क्लास लाइक कर देना एक बार। तेजस, अमन, दीपांश, सुलेखा, एक बार क्लास, स्वीटी, क्लास को लाइक कर देना एक बार। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं बताया, किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा है, सबने गलत बताया, किसी ने सही आंसर नहीं लिखा। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपने करके बताना है। अमन गलत है तुम्हारा भी। सुनो, पहले क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है ना, गुना में चार कर लो फ्रैक्शन कट जाएगा, इधर चार करोगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बनी इक्वेशन, बनो वन मैन प्लस फोर वीमेन, किसी कार्य को 65 डेज आ गया क्योंकि चार से चार कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, थ्री मैन प्लस फोर वीमेन, इसको काटा था ना 13, चार से काटा था तो 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब बना के देखो, ये 65 हो गया, ये कितना आ जाएगा बताओ, 260 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65 गुना 65 ये करेंगे 260 आ गया, ये करेंगे 26 गुना 3 करेंगे 18, तो ये 78 आ जाएगा, और ये 52 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 104 आ जाएगा। अब करके बताओ फटाफट इसको, अब निकाल के बताओ, अब निकाल के बताओ। ये 26 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 78, और ये 26 गुना 4 करेंगे 52 गुना 104 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 104। ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर है? और 260 में से 104 चला जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 156 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 156। अब मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे, 156 बटा में 13, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12:1। अगर उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12:1 आ जाएगा। अब किसी भी एक वैल्यू में कुल कार्य निकाल लो, टोटल वैल्यू कार्य कैसे निकालेंगे, सुनो पहले। 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 गुना 65 करेंगे तो हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा बताओ, निकाल के बताओ कुल कार्य। किसी में एक में इक्वेशन पूर्ण कर दो, 12 गुना 4, 16 गुना में 65 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कुल कार्य कितना आ जाएगा बताओ, 260 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 260। कितनी भी मैंने करना है, 13 ने तो एक दिन में एक भी मन कितनी चॉकलेट खाती है, एक, तो 13 गुना एक करेंगे 13 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 20 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो
तो ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर। निर्जा क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर भी शनि देव भारी है, क्वेश्चन गलत बता रही हो, तो 20 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। और वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो 12:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ गया ना, जैसे 16/65/4 है तो गुना में 4 कर लेंगे, फ्रैक्शन खत्म कर लेंगे, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4, तो ये वही इक्वेशन बनेगी, 1 man और 4 women। समझ आ गया, आप क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनेगा तो उसको क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। क्लियर है स्नेहा बेटा, समझ आ गया। निर्जा समझ आ गया क्या कह रहे हैं। निधि आपने तो बता दिया था, सत्यम, तेजस, शौर्यदीप समझ आ गया बेटा, सुलेखा, स्वाति, नेहुल, सचिन, कमल, हाँ सचिन ही बोल रहा कुछ भी, समझ आ गया बेटा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ये बड़े टाइम बाद ये वाले क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, चलो फटाफट करके बताओ। ये 17 पे पहुंचे, 7-12 एक फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 25 मैन और 45 वीमेन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 मैन और 60 वीमेन किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, इन हाउ मैनी डेज 69 मैन एंड 67 वीमेन कितने समय में करेंगे, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ क्वेश्चन को। फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। कृष्णा कैसे कर रहा है बताना, थोड़ा क्वेश्चन कैसे कर रहा है ये वाला, कृष्णा बताना कैसे क्वेश्चन कर रहा है बेटा ये वाला। कृष्णा कैसे कर रहा है, ये तो लॉन्ग पड़ेगा काफी पॉइंट्स के अंदर, तो फटाफट करके बताओ बाकी। बाकियों क्या हो गया, सचिन आज आंसर नहीं निकाल रहे हो, सुधांशु आंसर निकालो, नेहुल, हर्षिता, चारू, छह दिन आंसर आएगा, क्या आएगा, छह दिन आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लॉन्ग पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि 25 गुना 15 करेंगे फिर 45 गुना 15 करेंगे। अगर इनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, अगर वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आएगा, क्या आएगा, 7:1। अगर वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आएगा, क्या आएगा, 7:1। और वैसे आंसर निकालेंगे तो 25 गुना 7 करेंगे ना, तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 7:1 आ गया, और आंसर क्या लगेगा, 6 डेज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, फोर्थ लगेगी, क्या लगेगी, फोर्थ लगेगी, ठीक है। तो इसको बना लेने से वर्क एफिशिएंसी रेशियो मेथड वही है जो पहले 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, वही सेम मेथड है, बस तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में लॉन्ग पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7:1 आएगा, क्या आएगा, 7:1 आएगा। क्लियर है,
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन ए पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर विजय एंड प्रवीण आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, इट विल टेक 12 वीक फॉर विजय टू कंप्लीट द एंटायर असाइनमेंट और प्रवीण करता है 8 दिन में करता है, ड्यू टू द वर्क प्रेशर दे डिसाइड द वर्क एंड डेट असाइनमेंट ऑन अल्टरनेटिव वीक बेसिक, इन द फर्स्ट वीक प्रवीण विल वर्क एंड इन द सेकेंड वीक विजय टेक वर्क एंड सो ऑन, इन हाउ मैनी वीक वर्क विल बी द कंप्लीट इफ दे वर्क एंड इन अल्टरनेटिव बेसिस। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस रामायण पढ़ा रखे, अल्टरनेटिव डे पे काम करना है, क्या करना है अल्टरनेटिव डे पे। तो देखो विजय और प्रवीण, देखो विजय और प्रवीण है, विजय तो कर रहा है 12 दिन में काम कर रहा है और प्रवीण कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, तो कुल कार्य कितना सोचा 24, इससे कितने गुना 2 गुना, इससे कितने गुना 3 गुना, तो 5 कितने दिन में करते हैं 2 दिन में करते हैं, कुल कार्य कितना है 24, इससे कितने गुना हो गया, पहले 20 सोचेंगे इसका मल्टीपल, इससे कितने गुना 4 गुना, 4 गुना करेंगे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, आगे निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा इसका, फटाफट निकाल के बताओ 22 का आंसर, फटाफट निकाल के बताओ, करवाया हुआ है ना क्वेश्चन, कितना आएगा बताओ, पहले कौन काम कर रहा है प्रवीण कर रहा है दे रखा है ना, दूसरे दिन कौन करेगा विजय करेगा, तीसरे दिन प्रवीण, ऐसे चलेगा, अब यहां तक हो गया, अब ना अब किसकी बारी आएगी, नौवें दिन किसकी आएगी प्रवीण की आएगी, कुल कार्य 24 था, 20 तो हो गया, बाकी कितना रह गया 4, अब नौवें दिन कौन करेगा प्रवीण करेगा, तो कितने दिन हो गए 9, तो बाकी कितनी यूनिट रहेगी 1 रहेगी, क्या रहेगी, अब दसवें दिन किसकी आएगी विजय की, तो 9 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, तो सी आंसर आएगा, क्या आएगा सी आंसर आएगा, किसी ने सही नहीं बताया, देख लो इसका हमारा क्या आएगा सी आएगा, क्या आएगा सी आएगा, अरे कुछ रामायण दे रखी थी, कुछ भी नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में ये था विजय किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा और प्रवीण किसी कार्य को 8 दिन में, बस इसमें चलाकी क्या करी, पहले दिन प्रवीण काम कर रहा है, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है विजय, तीसरे दिन प्रवीण और चौथे दिन विजय, जो क्वेश्चन को आपको समझ रहा है ना उस बात के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो तभी का टाइम लग रहा है, तभी लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तभी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी देखो रामायण दे रखी, इसका कोई लेना देना ही नहीं था, वैसी बस टाइम पास के लिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दे रखा था, समझ आ गया बेटा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझ आ गया यश प्रवीण पवन, समझ आ गया स्वीटी, समझ आ गया सचिन खुशी, समझ आ गया, एक्चुअल में ना मेहनत गलत करवा रहे हैं आपको ना, क्या करना, आधी क्लास तो छोड़ के भाग जाते, कुछ पढ़ाओ तो वैसे भाग जाते, मुश्किल क्वेश्चन 2-3 आए आधी क्लास तो वैसे छोड़ के भाग जाती है, तो कोई नहीं करवाएगा आपको क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, ऊपर से जाने हैं क्वेश्चन आपके, ये तो एक क्वेश्चन बता रहे हैं, वर्क बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फिर ये हाल है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 का, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन आया नहीं क्या, चलो ये क्वेश्चन देखो शायद आ नहीं रहा, 12 मैन और 12 वीमेन किसी कार्य को 9 डेज में करते हैं, 6 मैन और 15 वीमेन उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, 9 वीमेन कितने समय में करेंगे, फटाफट 2 मिनट में करके बताओ क्वेश्चन, फटाफट करके बताओ, पहले वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकाल के बताओ, वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आएगा,
फटाफट स्पीड से करके बताओ बेटा। सचिन साहब वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा। नीरजा सही बताया, वर्क एफिशिएंसी 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे? 12 गुना 12 24 और 12 और गुना में 9 कर लेंगे। 24 गुना में 12 गुना में 9, इस प्रकार से कुल कार्य कितने वीमैन ने करना है? 9 ने, तो वीमैन की यूनिट कितनी है? 9, तो इसको काट लेंगे। फटाफट करके बताओ आंसर कितना आएगा, फटाफट करके बताओ। कितना आएगा आंसर इसका? 2:1 आ गया। और आंसर कितना आएगा बताओ? ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। शाबाश, इसका जो आएगा 24 का आंसर, ए तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। हाफ ऑफ द वर्क पूछ रहे हैं ना बेटा, हाफ ऑफ द वर्क पूछ रहे हैं, तो हाफ क्वेश्चन पढ़ के देखो, हाफ ऑफ द वर्क पूछ रहा है, तो 36 का हाफ करेंगे 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द वर्क है ना, तो सी हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? सी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि फटाफट 18 तो देख लिया पर हाफ ऑफ द वर्क तो पूछा नहीं, तो 18 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तभी तो लोग जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपके सामने है, देख लो, पैटर्न कुछ भी नहीं है, बस दो दो शब्द घुमाया हूं, उसी के अंदर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द कोई पढ़ेगा ही नहीं एग्जाम के अंदर। वही हमारा 36 आया, तो तुम्हें वही लगेगा 36 डेज हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, बना लोगे ना? क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो नया आएगा वो मैं करवा दूंगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मैंने ना एक बात सुनो, पहले क्वेश्चन को स्किप करते हैं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो बेटा। मैं आपको क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? नहीं, मैंने आपको उसके भी एमटीएस का पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं, सीजीएल के भी क्वेश्चन, जो एक एक चैप्टर पूरा सोल्व करवाएंगे। कोई मुझे कुछ मुझे बताओ किस लिए करवा रहा हूं मैं? नहीं तो अगर 42 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 47 को, तब भी तो कुछ नहीं बोलोगे ना, आपके फायदे के लिए करवा रहे हैं। हाँ, नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको किस सिचुएशन के अंदर पकड़ते हो, यही सबसे बड़ी बात है। वही जो 20-25 बच्चे आप पढ़ने वाले, बाकी तो अपना आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, वो सोच रहे हैं बाद में देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला बाद के अंदर। आप इंपॉर्टेंट समझो, कोई भी आप यूट्यूब पे चले जाना, देख लेना कौन सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप समझो क्या कह रहे, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे, क्लास मत मिस करा करो, हमारी भी एनर्जी लगती है। क्वेश्चन बनाने ऐसे नहीं है सीधे क्वेश्चन मिल गए और बना दिए, एक एक क्वेश्चन को छांट के पहले बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन। ये आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, अभी हाँ आप प्रैक्टिस करो कि दिक्कत नहीं आएगी। यही दो दो तीन मिस्टेक है, उसी क्वेश्चन को पकड़ना है, कहां से गलती करोगे आप उसी को पकड़ना है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए तो क्वेश्चन रटल हो गए आप, फिर इस प्रकार से पैटर्न चेंज हो गया, फिर दिक्कत करोगे सर ये तो आए नहीं। और मैंने क्या बोला, पेपर देखो 99% क्वेश्चन करवाए हुए आएंगे आपको। ठीक है, तभी वैल्यू समझा करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का ऐसे तो। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ो। 10 men began to the job, but after some day, 4 of them left the job. एज द रिजल्ट द जॉब डेट कुड हैव बीन कंप्लीटिंग इन 40 डेज, इन 50 डेज, हाउ मैनी डे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द वर्क डिड द 4 men लीव? देखो पहले समझो, 10 men जॉब स्टार्ट करते हैं, 4 of them लेफ्ट द जॉब। ये कार्य ना कितने दिन में होना चाहिए था? 40 दिन में होना चाहिए था, पर कितने दिन लगे? कितने दिन लगे? 50 दिन लगे। क्या लगे? 50 दिन लगे। तो फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। शाबाश, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। शाबाश, देखो पहले मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में?
देखो 10 मैन जॉब है ना, 10 आदमियों का 40 दिन में काम करना था, 10 गुना 40 करा कितना हो गया, 400 हो गया, क्या हो गया 400, पर 4 आदमी छोड़ के चले गए तो फिर कितने आदमी रह गए, 6 50 दिन तक काम करा कितना हो गया 300, तो 100 हो गया, 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। पहले सुनो 10 गुना में 4 10 मैन ने स्टार्ट करना था, 40 दिन में काम कंप्लीट होना था, कितना हो गया 400 हो गया, क्या हो गया 400, अब 4 आदमी छोड़ के चले गए कितने रह गए, 6 गुना 50 करेंगे 300, 400 में से 300 गया कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, कहीं कोई बाहर आ रहा है आप इधर में क्वेश्चन नंबर 26 करके बताओ इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करके बताओ आप इतनी देर में। हाँ बताओ कितने कितना आंसर आ रहा है, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, 19 का क्या आएगा, क्या आ रहा है हमारा आंसर, 26 का आंसर क्या आ रहा है, ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। देखो इन्होंने क्या पैटर्न पकड़ा, वही अल्टरनेटिव डे पे आ रहा है क्या ये आंसर, अल्टरनेटिव डे पे आ रहा है क्या आ रहा है, करवाएं या नहीं, ये तो सारों ने रट लिया होगा, अल्टरनेटिव डे पे आ रहा है, क्या आ रहा है अल्टरनेटिव डे पे आ रहा है, क्लियर है क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्लास छोड़ दे या पढ़ाएं आगे, कुल अभी 14 15 क्वेश्चन रह गया, छोड़ दे क्लास लीव कर दें, आगे से सोच रहे ना एक वो करवा दे आपको ना, एक बैच बनाता हूं जिसको ना कोई देख ही नहीं पाएगा, जो 15 16 बच्चे हैं ना रेगुलर, वो सोच ही रहा हूं जो कर रहे हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे जो लगातार है, जैसे अर्षिता पढ़ता है, नेवल पढ़ता है, सचिन पढ़ता है, जयदीप पर लगाता है, सुलेखा लगाते हैं क्लास हर बार, जो 15 20 बच्चे ना उन्हीं को पढ़ाओ, बाकियों को तो फायदा ही नहीं है पढ़ाने का, तो वही मैं सोच रहा हूं एक बैच बनाते हैं जिसमें ना सिर्फ अपने पढ़ने वाले बच्चे हो, बाकियों को पढ़ाना ही नहीं, फायदा ही नहीं है, यही सोच रहा, 2 3 दिन दो तो एक अलग से बैच बनाता हूं मैं, जिनको ऑनलाइन अपना अलग से मेहनत करवाई, उनको खुशी भी हर बार लगाती है, यस भी लगाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं, राजू सुनील एंड विशील कैन डू ए पीस वर्क 20 डे 30 डेज एंड 40 डेज इन हाउ मैनी, राजू क्रैश फनीजा इफ ए इज असिस्टेड बाय सुनील एंड विशील एंड अल्टर डे विद सुनील, फटाफट करके बताओ, अल्टरनेटिव डे पे काम करता है क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, फटाफट करके बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन अल्टरनेटिव डे पे आ रहे हैं, फटाफट करके बताओ, क्लियर
पहले दिन कौन काम करेगा? राजू और सुनील करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा? राजू और विशाल करेंगे। क्या करेंगे? विशाल करेंगे। मोहित गलत आ रहा है। देखो राजू सुनील और विशाल है, 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में करते हैं। कुल कार्य कितना सोचा? 120, इससे 6 गुना, इससे 4 गुना, इससे 3 गुना, यही होगा ना? पहले ये बताओ कुल कार्य कितना हो गया? 120, इससे 6 गुना, इससे 4 गुना, इससे 3 गुना। पहले दिन आर और एस करेंगे, दूसरे दिन आर और वी करेंगे। ये 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। ये 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। इस प्रकार से काम करेंगे। 10 और 9, 19। चॉकलेट कितने दिन में खाई? 2 दिन में खाई। क्या खाई? 2 दिन में खाई। और कुल कार्य हमारा कितना है? यही बनेगा ना? 19 चॉकलेट कितने दिन में खाई है? 2 दिन में खाई है। क्या खाई है? 2 दिन में खाई है। कुल कार्य कितना है? 120 है। क्या है? 120 है। तो 120 से पहले क्या जाएगा बताओ 19 की टेबल पे? उन्नीस गुना 6 करेंगे ना, 54, 5, 6, 114 सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 114 सोचेंगे। ठीक है, 114 सोच लिया। इससे कितने गुना हो गया? 6 गुना। 6 गुना करेंगे कितना हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? 12। कुल कार्य कितना था? 120। 114 तो हो गया, बाकी कितनी उन रहेगी? 6 रहेगी। क्या रहेगी? 6 रहेगी। अब किसकी बारी आएगी? अब देखो, अब 12, 13वें दिन किसकी बारी आएगी? आर और एस की आएगी ना। तो कुल कार्य कितना था? 6/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। तो 12 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। जिनका 12 3/5 है तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। जिन जिन का 12 3/5 लगाया है तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। मोई सही बताया था, शाबाश। किस किस का सही है ये वाला आंसर 12 3/5? दोबारा बताए, 120 से पहले क्या सोचेंगे? 114। इससे 6 गुना, 6 गुना करेंगे तो 12 हो गया। क्या हो गया? 12। 120 में से 114 हो गया, बाकी कितना रह गया? 6। अब 9वें दिन किसकी बारी आएगी? आर और एस की आएगी। तो 12/6/10 करेंगे तो 12 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? स्वीटी का सही था, नीरजा का सही था, चारू का सही था। हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैंने ना आपको एक बात बोली, आप ना 1.5 महीना थोड़ा पेशेंट रख लेना। 1.5 महीने के बाद आपको सीजीएल के, एसएससी, सीएचएस के सारे पेपर चुकवा देंगे। पेपर जाएगा कहां से? थोड़ा सा पेशेंट दो, थोड़ा सा सहयोग करो बस अपना। ठीक है, आप देखोगे ना 99% क्वेश्चन करवाए होंगे। इतना मैं कर सकता हूँ, आप इजी से इजी क्वेश्चन, मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना, सारे के सारे 99% क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। ये देखो, आप देखोगे ना, ये एसएससी सीजीएल 8/12 कैसे थर्ड शिफ्ट का पेपर है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया, लगातार करवा रहे हैं। उसी प्रकार से रीजनिंग, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हो जाएंगे ना, 200-200 क्वेश्चन है, 200-200 क्वेश्चन वो करवा देंगे मैडम। इधर से 200 क्वेश्चन से ऊपर वो आए हुए हैं अपना डीआई के, वो भी सारे के सारे सोल्व करवा देंगे। ठीक है, ताकि दिक्कत रहेगी नहीं। पेपर कहां से आएगा आप देख रहे होगे। अगर मेरे से टाइम एंड वर्क पड़ा तो देख लेना, 99% क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपके सामने। चलो आगे क्वेश्चन देखो। ए और बी किसी कार्य को 13 दिन में और 17 दिन में, सारे के सारा चैप्टर अल्टरनेटिव डे के ऊपर आए हुए हैं। ए किसी कार्य को 13 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 17 दिन में करता है। कुल कार्य 221 सोचा, इससे 17 गुना, इससे 13 गुना। अब करके बताओ, इससे 17 और 13 कितना हो गया? 30 यूनिट। कितने दिन में करते हैं? दो दिन में करते हैं। कुल कार्य कितना है? 221। इससे 210 सोचेंगे ना, इससे कितने गुना? 7 गुना। 7 गुना करेंगे, 14 दिन हो गए। कुल 220 चौकड़ी, 210 खाली, बाकी कितनी रहेगी? 11 रहेगी। क्या रहेगी? 11। तो अगले दिन किसकी बारी आएगी? 15वें दिन ए की आएगी ना। तो
14:11/17 हमारा आंसर आ जाएगा। है गलत क्यों आ रहा है, सी क्यों आ रहा है, सबका सी आ रहा है, मेरा ही गलत आ रहा है, सबका सी आ रहा है, मतलब मैंने गलत कर दिया फिर। चौदह है ना, 14:11/14 14:11/17 आ रहा है ना, किसमें आ रहा है 14:11/17, हाँ सी आएगा, सॉरी 14 यही आ रहा है ना, देखा ही नहीं मैंने तो इधर 11/7 देखा ना, 14:11/17 आएगा, सी हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, सी हमारा आंसर आएगा, तो सी हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, सही था ना, तो 14:11/17 हमारा आंसर आ जाएगा। वही देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे के सारे हमारे उसी अल्टरनेटिव डे पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो अभी तक तो यही क्वेश्चन पूरा है, 4 men + 6 women 8 दिन में करते हैं, 12 men ये अल्टरनेट डे पे यही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अंशु सुवाती है, राजा कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days और इफ दे वर्क टुगेदर, अंशु है लोन वर्क इन 9 days एंड सुवाती है लोन वर्क इन 12 days, 4, 9 और 12 का एलसीएम 36 लिया, फटाफट ओरल करके बताओ, फटाफट करके बताओ, ओरल करके बताओ, लिखना नहीं है, 9, 4 और 3, 2, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 दिन आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा, तो 18 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 4, 9 और 12 का एलसीएम कितना सोचा, 36, इसे 9 गुना इसे 4 गुना 3, 4 और 3 7 2 हो गया, तो 36/2 करेंगे, 18 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया, समझ आ गया, लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं, ठीक है, 20 men कैन फिनिश ए वर्क इन 220 days बट एट द एंड ऑफ 90 days 20 additional men इंप्लॉयड इन हाउ मैनी मोर डे विल वर्क इज कंप्लीटेड, फटाफट करके बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, नहीं सर मैं अभी तो क्लास में हूँ सर, क्लास कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं सर, मैं कमल बात कर रहा, किसके रिगार्डिंग सर, एनआईएफटी के बारे में, एनआईएफ क्या पूछना था सर आपने, क्या बात करनी थी सर, मेरे को ना आधे घंटे बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगा सर मैं, फिर बात कर लेना फिर से, ठीक है, ओके ओके ओके, कितना आ रहा है, 65 आएगा, क्या आएगा, 65 आएगा, शाबाश, किस किसने, मैं तो वैसे सोल्व कर ही रहा था वैसे के लिए, ठीक है, तो ये कितना रह गया, 2600 रह गया, क्या रहे? अब 2600 को किसे डिवाइड करना है बताओ, 2600 को किसे डिवाइड करना है, 20 थे 20 और हो गए कितने हो गए, 20 men थे 20 और हो गए कितने हो गए, 40 तो डिवाइड करेंगे 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 65, 20 गुना करवाया हुआ क्वेश्चन है ना सारों को, तो हमारा आंसर कितना आएगा बताओ, 65 आ रहा है, 40 कहां से आ रही है, क्या आएगा 65 आएगा, तो 65 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, अच्छा अच्छा 40 से डिवाइड करा था, 20 पहले थे 20 और हो गए कितने हो गए, 40 हो गए, क्या हो गए, 40 हो गए, ठीक 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 ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, अब आगे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़े से, चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखो, 2 person पी एंड क्यू कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 36 days, पी इज 3 times एज एफिशिएंट एज क्यू इन हाउ मेनी डेज, क्यू कैन, देखो 3 गुना है ना, तो
तो 36 गुना 4 करेंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 करेंगे, फटाफट करके बताओ 144 आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा 144, पी क्यू से 3 गुना है तो 1:3 आ गया। एक दिन में पी और क्यू 4 चॉकलेट खाते हैं तो 36 दिन में कितनी खाएंगे 144 खाएंगे, क्या खाएंगे 144। क्यू का पूछ रहा है 144 डिवाइड बाय 1 करेंगे कितना आ जाएगा 144 डेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 144 डेज आ जाएगा। सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी हमारा आंसर आ जाएगा। करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, करवाया हुआ क्वेश्चन है आपको, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 144 आएगा। क्लियर है, करवाया हुआ है ना, ऐसे तो काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं हमने। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ठीक है क्वेश्चन देखो, ए बी सी 6 दिन में 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6, 10, 15 का एलसीएम कितना सोचेंगे 60 सोचेंगे, क्या सोचेंगे 60 सोचेंगे। ओरल करने की कोशिश करो, ओरल करने की कोशिश करो, 5, 3 और 2 कितना हो गया 10, 10 गुना 2 करेंगे 20 हो गया, 60 में से 20 तो हो गया, बाकी कितना रह गया फटाफट बताओ। 30 ले लो 60 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीरजा, 30 भी ले लोगे तब भी सेम आएगा, 60 लोगे तब भी सेम आएगा। 30 चलो 30 ले लिया, क्या ले लिया 30 ले लिया, चलो करके बताओ फटाफट। बी आएगा, क्या आएगा बी ऑप्शन आएगी, ए बी सी, ए बी सी 6 दिन में 10 दिन में और 15 दिन में कुल कार्य 30 सोचा, इससे 5 गुना इससे 3 गुना इससे 2 गुना, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, ये 5 और 10 30 में 10 गुना 2 करा कितना हो गया 20 हो गया, क्या हो गया 20, 30 में से 20 हो गया, बाकी कितना रह गया 10 रह गया, कौन छोड़ के चला गया सी छोड़ के चला गया, तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 का मीनिंग कितना हो गया 1/4 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी हमारा आंसर। सब ये तो सबने सही बताया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल इजी है, बिल्कुल 34 हो गया क्या क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको, 34 क्वेश्चन हो गया है, नहीं क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, माना रब्बी नहीं करा, चलो 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन करके बताओ। थर्टी फोर का आंसर बताओ कितना आ रहा है, कृष्णा कितना बताया है 13 दिन आएगा, 34 का कितना आएगा 13 दिन आएगा, रेशो कितनी आ जाएगी 13:10 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 13:10, 23 गुना में 13 डिवाइड बाय 23 करेंगे 13 दिन आ जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन ये, तो 13 दिन हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा 13 दिन हमारा आंसर आएगा, ये तो बना लिया होगा सारों ने, तो 13 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है चलो आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 35 पे, 35 अब देखो जो ये क्वेश्चन पे पहुंच गए ना एसएससी 12/12/2022 का, तो टोटल 1 से लेके 14 तक हुआ था ना, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हमारे खत्म हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बताओ, 35
600 आ जाएगा, 240 डिवाइड बाय 10 गुना में क्या करेंगे 25 करेंगे, जीरो से जीरो, तो 600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाई है अब सही है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। राजू शोबेल मोन कैन डू ए पे 12, 15 डे, 20 डे एंड 25 डे, इन हाउ मैनी वर्क दे वर्क बी फिनिश इफ दे वर्क डू इन इन द अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डे पे काम करना है, क्या करना है अल्टरनेटिव डे पे काम करना है, फटाफट करके बताओ 36 का आंसर। राजू शोभा और कौन है मोहन है, 15 दिन में 20 दिन में और 25 दिन में करते हैं, कुल कार्य 300 सोचा, इससे कितने गुना 20 गुना, इससे 15 गुना, इससे कितने गुना हो गया 20:15:12 आ गया, क्या आ गया 20:15:12 आ गया। ठीक है अब देखो 20 प्लस 25 प्लस 12 कितना हो गया 47 हो गया, क्या हो गया 47 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं 3 दिन में, कुल कार्य कितना है 220। अब दिमाग लगा के बताओ आंसर क्या आएगा, 47 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं 3 दिन में खाते हैं और कुल कार्य कितना है 220 है, सॉरी 300 है, क्या है 300, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ, शाबाश। दो सौ बयासी सोचेंगे ना, 18 हो जाएगा 18, हाँ बताओ आंसर क्या आएगा इसका, पहले 282 सोचेंगे, 42 और ये हो गया ना, इससे कितने गुना 6 गुना करेंगे 18 हो जाएगा, कुल कार्य कितना था 300, उसमें से 282 तो हो गया, बाकी कितना रह गया 18 रह गया, क्या रह गया 18, तो फटाफट करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर, 18 और इधर कितना है 18/20 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 89/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18, देखना यही आंसर आ रहा है 36 का आंसर क्या आएगा डी आएगा, क्या आएगा डी आएगा, तो 89/10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किस किसने सही बताया था, मोहित ने सही था, यश ने सही बताया था, कृष्णा ने सही बताया था, शाबाश, तो हमारा आंसर क्या आएगा 38, ठीक है सही है ना ये वाला, इससे पहले क्या सोचेंगे 282, इससे 6 गुना करेंगे 18, कुल कार्य कितना था 300, उसमें से 282 तो हो गया, बाकी कितना रह गया 18 में, अब 19वें दिन किसकी बारी आएगी, राजू की आएगी, राजू एक दिन में नहीं चॉकलेट खाता है 20 और बची कितनी 18/20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ये सीजीएल 12/12/2000 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, तो हाउ मच टाइम विल बोथ वर्किंग टुगेदर, और बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, फटाफट करके बताओ, करवाया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन इट डिस्कस अबाउट द वन पर्सन टोटल वर्क विल बी एज्यूम ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन, सेवन इज टू फाइव आ गया और बी 36 गुना में 5 करेंगे कितना आ गया 180 आ गया, क्या आ गया 180 आ गया, किसके बारे में पूछ रहे, बोथ करेंगे तो बोथ को हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गए इसको तो पता छोड़ने वाले नहीं हो, ये तो देखती आंसर बता दोगे, क्या देखती आंसर बता दोगे, तो कितना हो जाएगा 15 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना, जब भी क्वेश्चन में एक व्यक्ति के बारे में दे रखे तो कुल कार्य उसी को लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं उसी को लेके चलते हैं, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे देखो, आरिफ अरुण एंड अब्रम कैन डू ए पीस 12 डे 20 डेज एंड 24 डेज, दे ऑल
began together. Ark leave the work for one day, Arun 3 days, and Abraham is 4 days. ठीक है, before it complete, in how many days the work finish? फटाफट करके बताओ, फटाफट करके पहले आप करके बताओ, फिर मैं करके बताता हूं. ठीक है, आरिफ, अरुण और 12 दिन में, 20 दिन में और 24 दिन में कुल कार्य 120 सोचेंगे. इससे कितने गुना हो गया? 10 गुना. इससे 6 गुना, इससे 5 गुना. चलो करके बताओ. ये क्वेश्चन कब था? 12/12/2022 का फोर शिफ्ट का क्वेश्चन है. क्या है? फोर शिफ्ट का क्वेश्चन है. करके बताओ. आरिफ कितनी चॉकलेट खा रहा है? 10 चॉकलेट खा रहा है. फटाफट करके बताओ. कितना आएगा बताओ? अरे क्या हो गया? कितना टाइम में क्यों लगा रहे हो भाई? देखो मोहित क्या कह रहा है. दे ऑल बिगेन टूगेदर. आरिफ लीव द वर्क वन डे, अरुण 3 डे और अब्राहम है ना वो 4 डे बिफोर इट कंप्लीटेशन द वर्क. अब ये नया क्वेश्चन आया था, इसको करना कैसे है पहले समझो. जो आरिफ है ना, जो आरिफ है वो कितने दिन पहले छोड़ के गया है? कार्य समाप्त होने से 1 दिन करके छोड़ के गया है. तो इसका मीनिंग है ना एक्स्ट्रा डन बाय आरिफ इन वन डे. एक्स्ट्रा जो डन है ना, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय आरिफ का, आरिफ का निकालेंगे तो 10 है ना. तो कितने दिन पहले छोड़ गया? एक तो 10 गुना एक करेंगे, 10 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. एक एक का निकालेंगे. फिर उसका देखो उसके बाद कौन छोड़ के गया है? अरुण. अरुण कितने दिन छोड़ के गया पहले? 3. तो अरुण की यूनिट कितनी है? 6 गुना 3 करेंगे, कितना हो गया? 18 हो गया. क्या हो गया? 18. और अब्राहम का था 5 गुना 4 करेंगे, कितना हो गया? 20 हो गया. कुल 10 + 18 + 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा? 48 हो गया. क्या हो गया? 48 हो गया. देखो कैलकुलेशन सही है. 30 और 10 करेंगे 40 और 48. और जो कुल कार्य कितना था? 120 था ना. जो एक्स्ट्रा काम करा वो ऐड कर लेंगे. 120 प्लस 48 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा. और तीनों यूनिट कितनी है? 10, 6 और 5, कितना आ गया? 21 आ गया. 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 डेज आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा. तो 8 डेज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा. दोबारा समझो, जो एक्स्ट्रा डन बाय आरिफ है ना, तो 10 गुना 1 करेंगे 10, 6 गुना 3 करेंगे 18, अब्राहम का 5 गुना 4 एक्स्ट्रा काम करे तो इसको ऐड कर लेंगे. जो उनको करना था ना, उनको जो छोड़ के कारण चले गए तो कुल कार्य के अंदर जोड़ लेंगे. 120 पटा में 48 और तीनों की यूनिट कितनी है? 21. तो कितना आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा. हाँ, इसका मीनिंग जो एक्स्ट्रा काम था ना वो आपको ऐड करना था. क्या करना था? ऐड करना था. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, पहली बार लाइफ के अंदर क्वेश्चन आया ये वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना और इसको अपने के अंदर ना लिख लेना कॉपी के अंदर, अपने नोट्स के अंदर. ठीक है, ऐसी ना मोहित यही बात हम कर रहे थे. सिंपल टैक्स, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, डीआई
और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैचुरल ज्योमेट्री, जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक एक दिन करके सोल्व करवाते जाएंगे, और साथ में रीजनिंग भी इस प्रकार से सोल्व करवा देंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ये 12 तक का पहुंच गया, मेरे ख्याल से लास्ट पेपर 13 का ही हुआ था, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। चलो, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी और टुगेदर जॉब ए अलोन कुड हैव डन इन 29 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 29। ए बी से 20, अगर ये 100 चॉकलेट खाएगा तो कितनी खाएगा, 120, तो यूनिट कितनी आ गई, 6:5 आ गया, क्या आ गया, 6:5 हो गया। बाकी मैंने करके बता दिया, कितना आएगा बताओ। अरे 168 के अंदर जोड़ा है बेटा, क्या है, जोड़ा उसके अंदर, अब ए है ना 29 दिन में करते हैं ना, तो 29 गुना में 6 और दोनों का पूछ रहा है क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 11, तो 174/11 आ जाएगा, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे, ये जो क्वेश्चन था ना, ये था 13-12 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, क्या था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, ये सेकंड, ऐसे चार चार शिफ्ट हुई थी ना, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, ए बी सी कैन ऑल टुगेदर पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, बी टेक 3 टाइम एज लोग ए एंड सी टुगेदर। चलो करके बताओ, अच्छा आप में क्वेश्चन आया था ये वाला, सही था या गलत था, है अर्षिता, सही था गलत था क्वेश्चन ये, देखो पहले बात सुनो, तीनों मिलके ना ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और जो बी टेक है ना, बी टेक 3 टाइम्स एज एफिशिएंट ए एंड सी, 3 गुना लेता है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ना तो 1:3 आ जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो एक दिन में 4 चॉकलेट खाते हैं, 10 दिन में कितनी खाएंगे, 40 चॉकलेट खाएंगे, बी की यूनिट कितनी है, 1 है, तो 40/1 करेंगे तो 40 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ध्यान से समझो, जो ए है ना, बी टेक 3 टाइम एज है, ये टाइम टेकन रेशियो दे रखे 3 गुना है ना ए प्लस सी का, तो इसका उल्टा लिखेंगे, ये हमारी वर्क डब्ल्यू ई आर का मीनिंग क्या हो गया, वर्क एफिशिएंसी रेशियो, इसका मीनिंग बी 1 चॉकलेट खा रहा है, ए और सी कितनी खा रहे हैं, 3, और टोटल कितनी खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, एक दिन में ए और बी 4 चॉकलेट खाते हैं, 10 दिन में कितनी खाएंगे, 40, किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में, तो बी की यूनिट कितनी है, 1, तो 40/1 करेंगे तो 40 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, तो 40 डे किसमें मन रहा है, बी हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा समझ आ गया सबको, सबको समझ आ गया, क्लियर है, सबको समझ आ गया, निधि समझ आ गया सबको, चलो। अरे जब भी क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी रेखा 3:1 है तो इसको उल्टा लिखना है, टाइम टेकन रेशो, वर्क टाइम टेकन रेशो दे रखा है ना, इसको उल्टा लिख लिया 1:3, अब एक दिन में दोनों 4 चॉकलेट खाते हैं, 10 दिन में कितनी खाएंगे, 40, तो बी की वर्क एफिशिएंसी रेशो 1, तो 40/1 करेंगे तो 40 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का, 2 पर्सन ए एंड बी कैन बिल्डिंग इन 6 and 10 hours। अब इसमें टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, फटाफट करके बताओ,
फटाफट करके बताओ 41 का आंसर क्या आएगा। निर्जात क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर शनि देव बारी है, गलत आंसर बता रही हो। शाबाश हर्षिता सही बताया और मोहित ने सही बताया, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। ए 6 घंटे में करता है, बी 10 घंटे में करता है। कुल कार्य कितना लेंगे, 30 लेंगे, इससे 5 गुना, इससे 3 गुना। अब 8 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। कुल कार्य कितना है, 30 है, 30 से पहले क्या सोचेंगे, 24, इससे 3 गुना। 3 गुना करेंगे कितना हो गया, 6 दिन में हमारा कार्य हो गया। कुल कार्य 30 था, 24 हो गया, बाकी कितना रह गया, 6। अब पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन, इस प्रकार से काम करेंगे ना। अब सातवें दिन कौन काम करेगा, ए अपनी 5 यूनिट खत्म कर लेगा सातवें दिन। अब 5 चॉकलेट तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब छठे आठवें दिन किसकी बारी आएगी, बी की आएगी, बी 1 दिन में चॉकलेट खाता है, 3 बची कितनी है, 1। तो 7 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो समझ आ गया, चलो आ गया। ये ना थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था, क्या था, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, कुल 1 से लेके 13 तक ना कुल 4 क्वेश्चन हुए, 40 पेपर हुए थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 डेज। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में 1 पर्सन के बारे में दे रखे है तो कुल कार्य उसी को लेके चलते हैं। अब पवन किसी कार्य को ना, पवन किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में। कुल कार्य कितना सोचा, 32, तो यूनिट कितनी आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई, 1। अब 1 दिन में 1 चॉकलेट खाता, 8 दिन में कितनी खाएगा, 8 चॉकलेट खाएगा। 24 में से 8 तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 32 रहेगी, क्या रहेगी, 32। अब जो 32 कार्य है ना, तो 32 कार्य कौन आ गया, संदीप आ गया, क्या आ गया, संदीप आ गया। 32 करा 27 दिन में करा, यहां तक समझ आ गया। तो 32/27 करेंगे। चलो अब निकाल के बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये बताना है आपको। चलो करके बताओ, शाबाश। अब ना ये फ्रैक्शन में फंस गया क्वेश्चन, तो इसको फ्रैक्शन को खत्म करेंगे ना, इसका 27 गुना करा, इसका 27 गुना करा, इसका 27 गुना करा। ठीक है, अब ये 27 से 27 कैंसिल हो गया, ए की यूनिट कितनी आ गई, 27 होगी, और बी की यूनिट कितनी होगी, 32 होगी, क्या होगी, 32 होगी। और कुल कार्य कितना हो गया, 32 गुना में 27, और नीचे क्या करेंगे, 27 और 32 को जोड़ लेके कितना आ जाएगा बताओ, 59 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 59। अब काट के देखो किस पे कटेगा ये वाला, ये 3 की टेबल पे जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन सही करिए तो बताओ कौन सा आंसर बनेगा इसका। मेरे ख्याल से जो आंसर बनेगा ए बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 288 9 × 2 = 18, 288/17 करेंगे ना, तो 16/6 ऑप्शन बनेगा। 288 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16/17 हमारा आंसर आ जाएगा। देखना कैलकुलेशन सही करी है, ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो किसने करा, पवन ने, पवन कैन, तो ए डेज का माइनस तो कर दिया ना, चौप कुल कार्य 32 में से 32 था, 32 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अरे 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 अरे, गलत कैसे हो गया क्वेश्चन, ये रुको, क्वेश्चन ही गलत हो गया लग रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन देखो कहां पे गलती हो गई है, पवन कैंडिडेट 32 दिन, वो 8 दिन तक काम करा ना, अरे देखो कैलकुलेशन में गलती हो रही है, देखो आंसर क्या आ रहा है इसका,
दोबारा करके देखो क्वेश्चन, इसका आंसर दोबारा करके देखो, शायद कैलकुलेशन में गलती करी है। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, ए पवन किसी कार्य को 32 दिन में करता है, कुल कार्य कितना सोचा, 32 यूनिट कितनी आ गई, एक आ गई, ही वर्क फॉर 8 डेज, तो उसने 32 में से 8 गया, बाकी कितना रह गया, 24 रह गया, क्या रह गया, 24, जो 24 कार्य था ना कितने दिन में करा, 27 दिन में करा, क्या करा, 27 दिन में करा। इसको सोल्व करेंगे तो 8/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी इसका फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, तो 32 गुना 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, और पवन की यूनिट कितनी आ गई, 9, और इसकी कितनी आ गई, 8, तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 9:8 हो गया, और कुल कार्य 32 गुना 9 करेंगे, 288 डिवाइड बाय 17 करेंगे, वही, अच्छा तब भी तो वही आएगा, 16/17 आएगा, क्या आएगा, ए हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, ए हमारा आंसर आएगा, ए ही आएगा आंसर। सी आ रहा है आंसर, अरे 288 को 17 से डिवाइड करना, 288 को 17 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 17 16, मेरे हिसाब से तो 16/7 आएगा, ए ही आएगा, क्या आएगा, ए ही आएगा। अरे 24 को 27 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको सोल्व करेंगे 8/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/9 आ गया। अब पॉइंट्स को खत्म करने के लिए गुना में 9 कर लेंगे, 9 से 9 कैंसिल, ये 32 गुना 9, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी, पवन और किसकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो, पवन और संदीप की वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। क्लियर, हां जी मैम, ओके, तो 9:8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल से, कोई आया मैं देख रहा हूं, एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ, यही आंसर आएगा ना, जब भी क्वेश्चन में 1% के बारे में दे रखा है, कुल कार्य उसी को लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करवाया था, करके बताओ, एक क्वेश्चन लिख के करके बताओ मेरे को, लिखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क A can do a piece of work in 80 days. He works for 10 days. After that, A left the work. Then B enter the work. And he done the remaining work in 42 days. In what time A and B work together? भाई अगर क्लास अच्छी लगे ना तो क्लास में, अगर बुरी लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, अच्छा था तुमने लिखना नहीं है तो बुरा ही लिख देना। अगर आपको क्लास के बाद अच्छा लगे ना, और अब रोज मैं सैटरडे को तो सुबह 10 से 12 पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, बाकी मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में रात को 8:15 से 10:15 बजे तक रोज पेपर सोल्व करवाते हैं, ठीक है, 30 डेज आंसर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो 13, 12, 22, 4, उसके बाद तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन करके बताओ, इतनी देर में मैं आपको करके बताता हूँ, जो क्वेश्चन जो पिछला पढ़ा था ना, फटाफट करके बताओ क्या क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक की कुल 42 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाँ, करके बताओ कितना आएगा, 30 डेज आएगा। देखो ए किसी कार्य को 80 डेज में करता है, कुल कार्य कितना सोचा, 80 यूनिट कितनी आ गई, एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, 10 दिन में कितनी खाएगा, 10 चॉकलेट खाएगा, 80 में से 10 चॉकलेट खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 70, उसके बाद ए छोड़ के चला गया,
और बी आ गया तो 42 बाय करेंगे तो कितना हो गया 5/3 आ गया, क्या आ गया 5/3। अब ना क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इधर तीन गुना करेंगे, तीन गुना करेंगे, तीन गुना करेंगे, तो एक यूनिट कितनी आ गई 3 और कुल कार्य कितना आ गया 240 और बी की यूनिट कितनी होगी 5। अगर क्वेश्चन में पूछेगा ए और बी की वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना है 3:5 है, क्या है 3:5, दोनों मिलके 240 बटा में 8 करेंगे कितना आ जाएगा 30 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर बी का पूछेगा तो बी का 240 बटा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 48 डेज आ जाएगा। अगर ए का पूछेगा 240 बटा 30 करे 3 करेंगे तो वही 80 डेज आ रहा है, क्या आ रहा है 80 डेज आ रहा है। इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है सही है, क्या है सही है, क्लियर है बेटा। बाकी फिर कल मंडे को मिलेंगे रात को 8 बजे, 8:15 से 9:15 बजे फिर पेपर सोल्व करवाएंगे, क्लियर है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन था ना, मतलब कि अगर आपको दिखाएंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक के कुल 42, मेरे ख्याल से 42 क्वेश्चन थे ना, कुल 42 क्वेश्चन थे, ठीक है। पीडीएफ देता हूं मैं, दे दूंगा आपको, बनानी पड़ेगी बेटा, पीडीएफ नहीं है इसकी, बनानी पड़ेगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। बाकी फिर करते हैं, आपने जो क्वेश्चन है जो मुश्किल लगे तो मेरे को बताओ किस किस को मुश्किल लगा है टाइम एंड वर्क। 100 में से 95% क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं ना आपको, ठीक है, 100 में से 95% क्वेश्चन तो करवाए हुए थे आपको, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझना है क्या कहना है, ठीक है बेटा। आगे फिर नई बात करेंगे रोज, एक बीच में ना हफ्ते में 2 दिन ऐसी पेपर सोल्व मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे जो बच्चे कह रहे थे, ठीक है। चलो बाकी करते हैं, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं आएगा तो मंडे को करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब पढ़ लेना घर पे, रेशो रिविजन कर लेना आप सारा, ठीक है बेटा। चलो बाय। भाई अगर अच्छी लगी तो क्लास को ना प्लीज कमेंट कर देना, बुरा लगे तो वो भी लिख देना, ठीक है।